मैंने अपना बदला ले लिया है शिव, मैंने तुझे खुद से 10 गुना ज्यादा चोट पहुंचाई, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। इंदर देख रहे हैं आप, ये मुझसे कैसे बात कर रहा है? ये लीजिए प्लीज इंदर, अपने आप को संभालिए। हम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचते हैं। देखिए उनके पास आरती की सिर्फ फोटोग्राफ है और कोई प्रूफ तो नहीं। हम मीडिया को ये कह देंगे कि आरती हमारी मेट थी, जो कुछ दिन पहले ही यहाँ से काम छोड़कर चली गई। फिर आरती को हम कहीं और भेज देंगे और इस बात को झुठला देंगे। As simple as that. Really? Dad, आप ऐसा सोच भी सकते हैं? मेरे पास और कोई ऑप्शन है क्या? तो अगर माँ इस घर से दूर जाएंगी तो उनके साथ मैं जाऊंगा। अच्छा है ना, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है डैड। वो वंस एंड ऑल सारे नाजायज रिश्ते खत्म, फिर आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं होगी। आरती, आखिर तुम जो चाहती थी वो तुमने कर ही दिखाया। तुमने एक बेटे को अपने बाप के खिलाफ कर दिया। प्लीज प्रेरणा मॉम, मां से ऐसे बात ना कीजिए। फिर इसमें मां की क्या गलतियां? एंड कम ऑन डैड, आज आपको एक डिसीजन लेना होगा। आप ये झूठ भरी जिंदगी से थक नहीं गए? माँ, आरती, Mr. Raichand, you see as a condition is very critical. Oh my God, आरती ठीक तो हो जाएगी ना? अगर आप चाहें तो मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करा दूं। देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। हमें लगता है कि इन्हें अभी शिफ्ट नहीं करना चाहिए। As you know, इन्हें हार्ट अटैक आया था। आज रात हमारी नर्स इनके साथ रहेगी और अगले कुछ घंटे इनके लिए बहुत क्रिटिकल है। क्या पागल खाना है यहाँ पे? I don't know what is going on. क्या हुआ इधर? बैठी रहो। क्या हो गया आपको? तुम्हारा बेटा। क्या हुआ शिविन को? सुबह से गायब है, कोई अता पता नहीं है। तुम्हें कुछ बता के गए? अंदर हो सकता है कि शिविन किसी मुसीबत में पड़ गया हो। Come on आरती, शिविन कोई बच्चा नहीं है। हो सकता है कि वो उस वेट्रेस के साथ भाग गया। नहीं दीदी, आज अगर शिविन वापस नहीं आया तो I don't know what I'm gonna do. इंदर जा चुके हैं तो प्लीज मुझे सच सच बता दो कि शिविन कहाँ है। हेलो जगमोहन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हम यहाँ से रायचंद फैमिली के साथ एंगेजमेंट के लिए निकल रहे हैं। तुमने सारे पेपर्स अच्छी तरह से चेक कर लिए हैं ना? इंद्रजीत तो मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करता है और वो खुशी खुशी इन पेपर्स पर साइन भी कर देगा। वैसे भी इंदर अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी बिजी हैं, तो मैं मौका देखते ही इस कंपनी के सारे इन्वेस्टमेंट से अपने लोन क्लियर कर दूंगी। उसके बाद मैं फिर से अमीर हो जाऊंगी और तुम्हारा दुश्मन सड़कों पर आ जाएगा। बाय। देखा दीदी आपने, अब तो कम से कम आप ये सगाई रोक दीजिए। देखो आरती, फिर भी ये बात इंदर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मॉम, आप कहाँ चली गई थी मॉम?
आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं। कैसे बता दिया हा? तुम्हारी डैड की हर गलती को सहती रही, उनके हर धोखे को बर्दाश्त करती रही, मगर अब उन्होंने लोगों की जिंदगी के साथ खेलना शुरू कर दिया। तुम्हारे डैड और दीपाली कपूर मिलकर इंद्रजीत भाई साहब और शिवेन की जिंदगी बर्बाद करने का प्लान बना रहे। वो लोग इंद्रजीत भाई साहब से कोई कॉन्ट्रैक्ट की डील साइन करवाने वाले हैं, और इस डील के साथ ही इंद्रजीत भाई साहब के सारे बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग किया की शादी शिवेन से करवा के उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद करने वाले। शिवेन सर तुम्हारा दोस्त ही नहीं है, उसे मैंने अपनी बेटी की तरह समझा है, तो मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख सकती हूँ? मैंने की थी ये बात तुम्हारे डैड से कि मैं शिवेन को जाके सब कुछ बता था, उन्होंने मुझे धमकी दी। शिवेन तू किया के साथ एंगेजमेंट नहीं कर सकता, ये सब एक धोखा है। What? तेरे डैड का बिजनेस बर्बाद करने के लिए मेरे डैड और शिपाली आंटी ने प्लान किया था। आहान, ये क्या बकवास है? तुम्हीं ने तो शिवेन की न्यूज मीडिया में दी थी, और हम इसकी बात पर क्यों विश्वास करें? राइट आंटी, आप तो यही चाहेंगे कि कोई भी मेरे बात का यकीन ना करे। तभी तो जब मैंने आपको बताया तो आपने मुझे बेहोश करके कमरे में बंद कर दिया। आप यही चाहती हैं कि शिवेन अपने डैड से अलग हो जाए? This is bullshit. सच है ये। तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जिस औरत की मैं इतनी इज्जत करता था, वही औरत मुझसे दिलो दिल इतनी नफरत करती है? यहां से निकल जाओ। I don't want to see your face anymore. Dad, मैं माँ के पास जा रहा हूँ। माँ, माँ, माँ उठिए। तू ये सगाई मत करना बेटा। शिवन, माँ आराम से। मैं ये एंगेजमेंट नहीं कर रहा। शिफाली जी के बारे में सबको सच सच पता चल गया है। डैड, मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, लेकिन डैड मैं आपकी इस दुनिया में फिट ही नहीं होता। सो डैड, लेट मी गो प्लीज। तो मेरी बात सुनो बेटा। नहीं डैड, मैंने हमेशा आपकी सुनी है, पर इस बार पहली बार मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ। रियली? थैंक यू। शिवेन के लिए मेरे पास एक गिफ्ट। आहन क्या कर रहा है यार? तू चल तो सही। आहन आराम से। आहन टेंटेड है। आंख खोलूं? खोलो। देखा गौरी, हम दोनों साथ में, हम दोनों के बीच की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, और यही बात शिवेन और किया के एंगेजमेंट की तो वो भी कैंसिल हो चुकी है। अरे ये कहानी हमारी दिल दोस्ती दीवानेपन की, अब इसे छोड़ के कहाँ जाओगी तुम? तो?